दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने पर अभी महीना भर भी पूरा नहीं हुआ और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिल गया है हाईकोर्ट से नोटिस। दरअसल हाईकोर्ट ने पिछले दिनों संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी हलफनामे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गलत सूचना देने के मामले में नोटिस जारी किया है। आम आदमी पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पड़परगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी ने याचिका दाखिल की थी। बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि मनीष सिसोदिया ने अपने नामांकन पत्र में अपने आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने अपने खिलाफ दर्ज FIR छिपाई, जिसमें आरोप है कि उन्होंने संतोष कोहली की मौत के बाद इंडियन फ्लैग को जलाया था। इस मामले में दिल्ली की कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस दाखिल कर चुकी है। साथ ही मनीष सिसोदिया पर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप भी लगा है। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि 2018 में उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया था, लेकिन पुराना वोटर आई कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। बता दें, प्रचार मानदंडों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। इस याचिका में दोनों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। इसे लेकर सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।